तो अब नाश्ता तो कर चुके हैं और उसके बाद अब सब्जी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो आज सब्जी में बनने वाली है मिक्स वेज, तो आज हम मिक्स वेज बनाएंगे और फटाफट से सब्जी तैयार करेंगे। उसके बाद कल खूब सारी पढ़ाई भी करनी है और टाइम भी बहुत कम है, तो फटाफट अपने सारे काम को निपटाएंगे बस। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए, और इसके पहले नाश्ता में हम लोगों ने उपमा खाया था। उसके बाद घर भी थोड़ा सा गंदा लग रहा था, धूल हो जाता है पैरों से। और उसके बाद अब सब्जी बना लेंगे। तो मैंने कढ़ाई में तेल, सरसों और प्याज का तड़का लगाया है, और उसके बाद मटर डाल देंगे और मटर को अच्छे से फ्राई होने देंगे। देन उसके बाद आज बनने वाली आलू, मूली और जो गांठ गोभी होती है उसकी सब्जी, जिसे नवल गोल भी बोलते हैं, उसकी सब्जी। तो अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद, थोड़ी देर से मिक्स करने के बाद इसमें ढक्कन लगा कर हम रख देंगे। ढक्कन लगा कर ये पकते रहेगी और तब तक बाकी के काम निपटा लेंगे। और मैंने नमक इसलिए अभी ऐड कर दिया है क्योंकि ये नया आलू है और इसे पकने में टाइम लगता है, और ढककर इसे रख दिया है। तब तक ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ये टमाटर है और ये खड़ा धनिया है। जब थोड़े धनिया के पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो जो धनिया बनता है वो है। और अब इसमें अदरक भी ऐड कर दिए हैं टेस्ट के लिए, और अब इसे ग्राइंड कर कर ले आएंगे। तो अब हमारी ग्रेवी भी तैयार है। ये नॉर्मल सी सब्जी है, बिना ज़्यादा तेल मसाले की, इजी है। अब यहाँ देख लेते हैं हमारी सब्जी कुक हुई है या नहीं। तो अभी तो सब्जी कुक नहीं हुई है, वो तो दिख ही रहा है। तब चलो तब तक इसे फिर ढककर पकने छोड़ देते हैं, और लिविंग रूम हॉल को पहले रेडी कर लेते हैं। सोफ़ा कवर वगैरह ठीक कर लेते हैं। इसे झाड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते कभी कभी यहाँ पर आकर भी बैठ जाती हूँ, और दिन भर यहाँ कोई ना कोई होता है। तो यही वो प्लेस है जो ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले सोफ़ा ठीक किया, फिर कुशन कवर ठीक किए, देन उसके बाद जो थोड़े बहुत कपड़े रखे थे उसे फोल्ड कर लिया, और जितने कपड़े अलमारी में रखने वाले थे वो अलमारी में रख दिए, और जो जैकेट है और जो स्वेटर है उसे मैं बाहर ही रखूँगी क्योंकि उसे हम दिन में या शाम को तो पहन ही लेते हैं। शाम को जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे। और अब सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी अब लगभग पक गई है। अब इसमें हम रेगुलर मसाले ऐड कर लेते हैं, जैसे हल्दी और मिर्ची। मैं धनिया इसलिए ऐड नहीं करूँगी क्योंकि धनिया जो खड़ा धनिया उसे हमने टमाटर के साथ पीस लिया है और ग्रेवी तैयार कर लिया है। तो जब हम टमाटर और धनिया को पकाएंगे तो उसका फ्लेवर इसमें ज़्यादा अच्छे से आएगा। धनिया पाउडर डालने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। सब्जी के पकते तक फटाफट किचन को झाड़ू लगा लेते हैं, हॉल को, और पूरे घर को एक बार फिर से झाड़ू लगा लेते हैं। इस समय झाड़ू पोछा एक बार हो चुका है, मगर जब हम चलते हैं तो मेरे घर के बाहर भी अभी रोड बन रहा है, तो जो रेत के कण हैं वो वापस से हमारे पैरों में लगकर आ जाते हैं। इसीलिए घर को बार बार झाड़ू लगाना पड़ता है और बार बार रेती आ जाती है, इसलिए हम इसे अच्छे से और साफ़ कर लेंगे। और यहाँ मैं झाड़ू लगाते लगाते काजू किशमिश और बादाम खा रही हूँ जो मम्मी ला कर रखी है। और अब चेक कर लेते हैं सब्जी को। तो अब सब्जी और ग्रेवी दोनों तैयार हो गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे अच्छे से थोड़ी देर मिला लेंगे, और फिर इसमें हम 1 गिलास पानी डालकर थोड़ा सा इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे, और उसके बाद हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। सब्जी तैयार करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है और मैं पढ़ने आ गई हूँ। तो इस मंथ में मेरे टोटल मिलाकर 7 पेपर हैं। 3 पेपर एक कोर्स के हैं और 4 पेपर एक कोर्स का है। तो उसकी मेरे को तैयारी करनी है, इसलिए आजकल मुझे अपना काफ़ी समय अपनी पढ़ाई को देना पड़ता है, और बीच बीच में मार्केट जाने के कारण तो मेरा टाइम वेस्ट होता ही है, वो तो अलग है, वो होते ही रहता है। तो बस हम ऐसे ही अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत घर का भी काम कर लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। हाय गाइस, तो आज की डेट है 30 दिसंबर, ठीक है। आज है सैटरडे और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने सुबह आज 6:30 बजे ही उठकर चाय पी लिया था, फिर मैं 7:30 तक नहाकर रेडी हो गई थी। 8 बजे तक मैंने नाश्ता भी कर लिया था, और उसके बाद थोड़ी बहुत घर की क्लीनिंग की है, और उसके बाद अभी मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ।
चूँकि मेरा एग्ज़ाम है इस मंथ, और बस मेरे एग्ज़ाम को 10 to 12 days ही बचे हुए हैं, इसलिए मैं अपने एग्ज़ाम की अभी तैयारी कर रही हूँ और अभी मैं उसके लिए पढ़ने के लिए बैठी हुई हूँ।